नाम है जॉयदीप मोहितलो, मेरा डिजिग्नेशन है ATM गांधीधाम, असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर या सहायक परिचालन प्रबंधक गांधीधाम। जो हमारा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम है, इसके तहत हमारा मकसद है कि कोई भी क्षेत्र का, कोई भी शहर का या किसी भी जगह का जो उसका लोकल संस्कृति होता है या कला होता है या कोई यूनिक चीज़ होता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, उसे हम आम जनता के सामने और अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करना चाहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय रेलवे एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके तहत जो है आम आदमी बहुत अच्छे तरीके से जुड़ सकता है एक लोकल एरिया के आर्ट एंड क्राफ्ट के कल्चर से, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी स्कीम आया नहीं था कि भारतीय रेलवे जो है डायरेक्टली यहाँ के लोकल आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन को जो है इनकरेज करेंगे, इनको साहस देंगे अपने कला को, अपने शिल्प को आम जनता के सामने लाने। इससे दो तरीके के मदद होते हैं, एक जो हमारे आर्ट शिल्पी है जो कलाकार है इनका लाइवलीहुड जो है और बेटर हो जाएगा, इनका इनकम और अर्निंग जो होता है लोकल लेवल पे ये और बढ़त मिलेगा, इसको आम जनता और अच्छी तरीके से जानेंगे, वो उनके मन में उत्साह पैदा होगा कि ये क्या चीज़ है, ये खरीदी बढ़ेगा, ये जो कला का सामान है, ये कारीगरी है, इसका खरीदी बढ़ेगा। और दूसरा चीज़ ये है कि आम जनता तक ये ज्ञान जाएगा कि उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के बारे में खास क्या है, उस क्षेत्र का इतिहास क्या है, उस क्षेत्र का सभ्यता क्या कहता है, ये भी एक बहुत अहम महत्वपूर्ण मैसेज जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो है ये भारतीय रेलवे जो है भारत सरकार के तहत इसने जो स्कीम इसने इनिशिएट किया है यूनियन बजट के अनाउंसमेंट के बाद, ये बहुत ही अच्छा स्कीम है और इसको कंटिन्यू करके रखना चाहिए हमें। ये स्लोगन का मेन मतलब है कि हम किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में एक रेलवे स्टेशन को सिलेक्ट करेंगे और वो स्टेशन जो है उस क्षेत्र का कला संस्कृति सभ्यता या ऐसा भी हो सकता है कोई खाने का सामान जो उस एरिया में खास बनाया जाता है उसको प्रदर्शन करे। इसमें सबसे पहला स्टेशन जो चुना गया था वो था तिरुपति स्टेशन, जिसमें हमने कलमकारी साड़ीज का प्रदर्शन करवाया था जो लोकल आर्ट और कल्चर में बहुत अच्छे तरीके से सराहा जाता है, बहुत पॉपुलर भी है। देखिए फूड स्टेशन में तो पहली बार हम इस तरीके का इनिशिएटिव ले रहे हैं और जो टेम्पोररी स्टॉल है या जो स्टेशन का स्पेस है ये हम पहली बार यहाँ पे कर रहे हैं 15 दिन के लिए। जो आर्टिस्ट हैं हमारे बीच में वीर अजमल अकबर साहब, इनको हम 15 दिन के लिए जो है देंगे ये स्टॉल, इसके बाद ये किसी और आर्टिसन या क्राफ्ट्समैन को चला जाएगा। यहाँ पे दो अहम चीज़ है, जो कलाकार है उसका एक आर्टिसन क्राफ्ट ID होना चाहिए सैंक्शनड बाई मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और द ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर टेक्सटाइल्स। दूसरा चीज़ ये होता है कि उसको एक फिक्स रजिस्ट्रेशन फी देना पड़ता है इनिशियली, विच इज कलेक्टेड बाय द स्टेशन इटसेल्फ, वो एक फिक्स अमाउंट रहता है फॉर द एंटायर 15 डेज। उसके बाद जो है ये जो टेम्पोरी स्टॉल हम यहाँ पे लगाते हैं उसमें जो खरीदारी होता है वगैरह जो कुछ भी वो उसमें ये, हमें ये ध्यान रखना पड़ता है और ये कहा भी गया है कि उसमें जो आम जनता का आवागमन होता है रेलवे स्टेशन में वो किसी भी तरीके से हैम्पर नहीं होगा या डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। सारे जो स्टाफ रहेंगे यहाँ पे बेचने वाले उनके पास अपने अपने रेस्पेक्टिव आई कार्ड्स होंगे और किसी भी किस्म का गाफिलती नियम या कानून के तहत नहीं होने वाला है। गुरु मोबाइल पॉइंट अमारे त्यांथी आपने बेस्ट सर्विस मळी रहेशे तो साथे ओछा नफे वधु सेल। અમારે ત્યાંથી આપને મળી રહેશે દરેક કંપનીના મોબાઈલ। જૂના મોબાઈલ બિલ બોક્સ સાથે વિશાળ રેન્જમાં ઉપલબ્ધ છે, જેમાં રૂપિયા 2000 થી કરી ફૂલ રેન્જ આપને મળી રહેશે। આ
સાથે જ બજાજ એચડીબી ફાઇનાન્સ સેમસંગ ફાઇનાન્સ એચડીબી ફાઇનાન્સની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ છે. આપ લોન પર મોબાઈલ મેળવી શકો છો. અમારી બીજી બ્રાન્ચ લાલ ટેકરી ગુરુ મોબાઈલ પોઈન્ટ સેમસંગ કેર સેન્ટર નીચે. દરેક કંપનીના મોબાઈલ રિપેરિંગ કરી આપવામાં આવશે. દરેક પ્રકારની લેટેસ્ટ એસેસરીઝ પણ મળી રહેશે. દરેક પ્રકારની લેટેસ્ટ એસેસરીઝમાં આપને મળશે પાવર બેંક, સ્માર્ટ વોચ, સ્પીકર, નેક બેન્ડ, કવર્ડ ગ્લાસ. આ ઉપરાંત અનેક વેરાયટી. અમારું સરનામું નોંધી લેશો. વાણિયાવાડ જનતાગર પાસે હોટેલ આભાની નીચે બસ સ્ટેશન રોડ ભુજ કચ્છ. સંપર્ક નંબર આનંદભાઈ 9913535323, અમિતભાઈ 8980143777, હરપાલ સિંહ 9924112123, મિતેશભાઈ 8460284064.